हेलो रिंपू दा, ठीक हो? ये रहे हमारे डिंपू भैया। नमस्ते, नमस्कार। हम हे दोस्त, गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ मोबाइल स्टोर पे, जहाँ से मैं आपके कांचे के लिए फोन लेने वाला हूँ। तो भैया मेरे लिए ना आप iPhone 13 का सीरीज दिखाओ। 93,000 का फोन है और मैंने ओपन बॉक्स लिया, तो ये देखो मुझे कितना मिला है। थैंक यू। और देखने वाला हूँ कि यहाँ ऑफरिंग हो सकता है कि नहीं। मुझे बहुत तेज फीवर होने के कारण ये वीडियो काफी लेट आ रहा है, लेकिन वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग रुके थे इस वाली होटल पे, एंड अब हमारा गरम गरम परोठा भी आ चुका है, यानी कि हम लोग आए थे बोगाईगांव। तो अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सोनू भाई कैसे बोगाईगांव पे पहुंच गया। बोगाईगांव का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारा आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बोगाईगांव, और हमारे घर से काफी दूर है। तो मेरा यहाँ आने का एक ही रीजन है, जो कि हमारा आसाम का एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, जिसे आप लोग भी जानते होंगे। हे दोस्त, कहने माने 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 बुझी पाले ना भाई। ये बोलता है, अभी थोड़ा थोड़ा मिल चुका होगा आप लोगों को। ओके, तो वो बंदा जिम नहीं लेने वाला है, तो अभी उसको कॉल करते है एंड पूछते है कि आज लेगा या नहीं लेगा। कॉल लग चुका है। हेलो रिंपुदा, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। माने आज जिम नहीं लव? ए होय नेकी एस्ट्रोलॉजर तात कइसिले काली माने न ए हे। मय भाबसो आपनर जिम नी केती आइबो, केती आइबो? ए जल्दी आइए से कोइ अच्छा लग पाया। अच्छा अच्छा, काली मा आपना कॉल करिसिलो दुबार, आवाज आ नै, खई गइसिल नेकी? ओ मय काली ला जल्दी कोइ गेलु। अच्छा अच्छा, होय नेकी? महीना ना है भाईटी है। ठीक है दा, ठीक है। ओके, तो मतलब आज कल इन्होंने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आज का दिन उतना अच्छा नहीं है, तो ये आज जिमनी नहीं निकालेंगे। ओके, जिमनी का प्लान कैंसिल हो गया, फिर भी मैं जाऊंगा उनके पास और उनको सरप्राइज दूंगा। ओके, ये भी मेरा वीडियो देखते हैं, मैं भी इनका वीडियो देखता हूँ। भाई काफी अच्छा लगता है, और मुझे सुनने को मिला कि इनको मेरा शॉर्ट वीडियो काफी अच्छा लगता है। तो कुछ ही दिन पहले बात हुआ था, बंदा बहुत ही अच्छा है भाई, तो एक बार मिलना तो बनता है यार। तो अभी हम लोग जाएंगे और उसे सरप्राइज देंगे, सरप्राइज। और अब मैं फाइनली बोगाईगांव का जन्नबी होटल से डिंपू भैया से मिलने नौलबारी की तरफ निकल चुका हूँ, और ये रहा मेरा तार, जिसको कल रात को ही मैंने यहाँ पे रख दिया था। आते आते हम मोबाइल होल्डर लगाने गुरबानी ऑटोमोबाइल्स पे आए, पर यहाँ आते ही मुझे इन पाजी ने आसाम का फुलाम गमजा और एक प्यारा सा गिफ्ट देके स्वागत किया। देन फिर इन्होंने मुझे मोबाइल होल्डर और ये भारत माता का तिरंगा भी लगा दिया। तो गाइस यहाँ पे मुझे गुलजर भैया ने ये वाला सनग्लास गिफ्ट किया है, जो कि काफी बड़ा है भाई, काफी मजा आ रहा है लेकिन, और इससे ना काफी अच्छा व्यू दिख रहा है। तो इधर बैठे हैं ये दोनों, ये देखो, ये रहा विद्युत, विद्युत सर, और ये रहे गुलजर भैया। ओके, और आज से मेरा दिल्ली का चश्मा भी मतलब बैठेगा। ओके, थोड़ा सा इसको राहत मिल गया, नहीं तो मैं इसी को पहन के घूम रहा था। एंड अभी हम सभी लोग डिंपू भैया से मिलने नौलबारी जा रहे हैं, इधर देखो। और अब हम लोग आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट पे, क्योंकि उनका घर काफी दूर है, तो ऑब्वियसली हमें बहुत भूख लगने वाला है, इसलिए हम सभी लोगों ने लोकल चिकन के साथ दबा के खाना खाया। तो खाना खाने के बाद सीधा यहाँ से निकल के रोडी रोड जाने लगे। तो फाइनली गाइस हम लोग नौलबारी पे आ चुके हैं, एंड नौलबारी पे मैं किसके घर में बैठा हूँ वो आप लोग देखोगे तो आप लोग एक बार शॉक हो जाओगे। तो दिखा दो, फाइनली 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 ये रहे हमारे डिंपू भैया। नमस्ते, नमस्कार। हम हे दोस्त, ये ने मतलब मैं इसका क्या बोलू, मिनी ब्लॉग मतलब एक के बाद कभी कभी एक दो घंटा निकल जाता है। अच्छा, हाँ, सबसे अच्छा लगता है जी तुम वॉइस ओवर कैसे करते हो देख के। बहुत अच्छा लगा भाई। मुझे भी काफी अच्छा लगा भाई, क्योंकि एक टाइम पे ना हम लोग इन्हीं के वीडियो देख के यूट्यूब स्टार्ट किए थे, ब्लॉग स्टार्ट, मतलब गेमिंग चैनल तो मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था, बट ब्लॉग जब मैंने किया ना तो इन्हीं लोगों का देख के मैंने किया था। और आज अपने इंस्पिरेशन से मिलने का जो मतलब खुशी है ना, वो अलग ही टाइप का है। मतलब कि मान के चलो आप ब्लॉग का तो मेरा आप इंस्पिरेशन हो, ओके, बाकी जो भी हो ब्लॉग का तो सर, लेकिन जो शॉर्ट्स वीडियो है वो शॉर्ट्स वीडियो तो मैंने कभी इतना नहीं बनाया। कभी कभी इंस्टाग्राम में 2-3 रील बना लेता हूँ, लेकिन जिस स्टाइल में ये इतना सिंपल रख के शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ जैसे सौरभ जोशी हो गया लॉन्ग वीडियो का की, हाँ। ये है शॉर्ट वीडियो का की। बस इतना बोल दिया भाई। बस इतना बोल दिया तो भाई मेरा सीना एकदम चौड़ा हो गया, क्योंकि अपना इंस्पिरेशन भैया। एंड अब मैं आपको इनका रूम टूर कराऊंगा, जो कि काफी प्यारा सा है, एंड ये पेंटिंग तो लाजवाब है, साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा वाटर के साथ कुछ पीस भी है, तो इधर के साइड ये लाइट, लेकिन एक बार ये स्टैचू देखो, जो कि इनको इन्हीं का एक सब्सक्राइबर ने लकड़ी का बना के गिफ्ट किया था।
घूमने जाने वाले हैं, साथ ही डिंपू भैया का न्यू एरोस स्कूटर भी है। और ये रहा मेरा थार जिसको आप डिंपू भैया खुद ही ड्राइव करेंगे, क्योंकि इनका गेट से थार निकालना मतलब बहुत ही मुश्किल है। ये पहले अपना थार चला के हैवी ड्राइवर बन चुके हैं तो ये इजीली निकाल लेते हैं। सोनू भाई की स्टाइल में बोलता हूँ तो मैं फाइनली अपने थार पे बैठ गया और अभी डिंपू भाई चलाने वाले है थार। चलो भाई, मेरे थार में पहली बार डिंपू भैया, भाई हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी। ये देखो मेरे भी एक थार था, जिम्मी आने वाला है यार। फिर इन्होंने मुझे अपना गांव एकदम ही अच्छे तरीके से घुमाया, साथ ही हमने काफी इंटरेस्टिंग सी बातें भी की। फिर ये कहने लगे कि हमारे गांव में एक बहुत ही खतरनाक ऑफरोडिंग प्लेस है, क्यों ना एक बार ऑफरोडिंग किया जाए। पर जब मैं इस वाली जगह पे आया तो मेरे तो एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दोनों तरफ दलदल और बीच में एक छोटा सा रास्ता था। और देखने वाला हूँ कि यहाँ ऑफरोडिंग हो सकता है कि नहीं। तो सुनो भैया, यहाँ पे खड़ा है और मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं थार के ले जाने के बारे में सोच रहा हूँ 4x4 लगा के। तो यहाँ से आएगा कि नहीं थार हमारा? थार तो भाई आ जाना सही है। फिर इन्होंने 4x4 लो में लगाया, यानी कि इसमें लगाने से थोड़ा स्लो चलता है पर थार को पावर बहुत ज्यादा मिलता है। ओके गाइस, अभी ऑफ रोडिंग होने जा रहा है। चलो नेक्स्ट लेवल का। सच कहूं तो ये ऑफरोडिंग नेक्स्ट लेवल का था, पर मेरा थार का हालत कुछ ऐसा हो गया। चलो भैया, यहाँ पर डिंपू भैया ने एकदम नेक्स्ट लेवल का ऑफरोडिंग कर दिया। लोग कह रहे हैं कि वहाँ से ट्रैक्टर भी नहीं गया था, लेकिन अपना थार एक बार ट्रैक्टर गया था, लेकिन थोड़ा जाने के बाद वो पलट गया। ओ भाई देखो, सामान के साथ गया था, क्योंकि ट्रैक्टर तो किंग ऑफ मतलब वो किंग नहीं, ग्रैंडफादर ऑफ ऑफरोडर है। चलो भाई, मतलब थार का पावर बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा, मतलब सोचा नहीं। देन यहाँ से निकलने के बाद इन्होंने मुझे अपना भीड़ भड़ाका वाला टाउन भी घुमाया और एक स्पेशल पान भी खिलाया जो कि बहुत ही मजेदार था। एंड पान खाते खाते हम इनके शॉप में भी पहुँच गए और हम लोग सोनू भाई की थार की एक साइड पे छोटा सा देयर लिख देंगे। ये मेरा मतलब एक डायलॉग सबका है ये। और अब फाइनली मेरा भी थार में देयर वाला स्टिकर लग चुका है, मतलब ये एक आसामीज लैंग्वेज का डायलॉग है, देयर। चलो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग निकल के जाएंगे गुवाहाटी। गुवाहाटी में थोड़ी बहुत काम है एंड आज रात को हम लोग वहीं पे रुकेंगे। बाकी आज डिंपू भैया से बात करके, इनके साथ घूम के मुझे काफी अच्छा लगा यार। थैंक यू। मतलब कि क्या ही बताऊं मैं डिंपू भैया, कुछ बुरा लगाओ तो बुरा मत बोलना, अपना छोटा भाई समझ के माफ कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो तुम्हारे वीडियो देखते हैं शायद असामीस नहीं है। तो मैं एक्चुअली मैं आपका परिचय दे देता हूँ, मैं असामीस में वीडियोस बनाता हूँ, दो चैनल है और मेरे एक चैनल हिंदी में भी है, वीडियो नहीं डालता। आप लोग मतलब सर्च कर सकते हैं दी MPU। फिर यहाँ से निकल के हम सीधा गुवाहाटी की तरफ जाने लगे जो कि यहाँ से काफी दूर है और पहुँचते लगभग 11 बज चुके थे। तो गाइस, कल हम लोग रुके थे इस वाली होटल पे और अभी हो चुका है सुबह। तो मैं जाने वाला हूँ एक मोबाइल स्टोर पे जहाँ से मैं कांची के लिए एक फोन लूंगा, क्योंकि उसने मुझे कल ही कहा था कि मेरे लिए एक फोन भी लेके आना और वो भी ऐसा तैसा नहीं, आईफोन 13 चाहिए उसे। तो अभी मैं जाऊंगा उसके लिए एक आईफोन लेके आऊंगा और हम लोग वापस घर की तरफ निकल जाएंगे। तो ये देखो मेरा बैग, तो अभी हम लोग चलते हैं। चलो भैया, बैग मैंने कैसे पकड़ लिया। और अब फाइनली मैं कांची का फोन लाने अंजलि मोबाइल स्टोर पे आ चुका हूँ जो कि गुवाहाटी का बहुत ही फेमस स्टोर है एंड यहाँ पे हर तरह का फोन मिलता है, साथ ही रिपेयरिंग भी होता है। एंड गाइस, मैं फाइनली आ चुका हूँ मोबाइल स्टोर पे जहाँ से मैं अपने कांची के लिए फोन लेने वाला हूँ। तो भैया मेरे लिए ना आप आईफोन 13 का सीरीज दिखाओ। ये वाला आईफोन 13 का ये 128 GB होगा ना? ऐसे ये 128 प्रो लेना चाहते हो तो प्रो भी तो गाइस मुझे चाहिए था पिंक कलर का, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो लड़कियों को पिंक ज्यादा पसंद आता है। बट भैया कह रहे हैं कि पिंक का स्टॉक नहीं है। ओके, आपको क्या आईफोन में ही चाहिए था या एंड्रॉइड होने से भी चलेगा? एंड्रॉइड होने से भी चलेगा मेरे को, लेकिन पिंक कलर। अच्छा, ओके, ये आपका Z Flip 4 है, अभी का जो लेटेस्ट मॉडल है ना। अच्छा, तो
फिर मैंने भी सोचा कि ऑलरेडी मेरे पास तो आईफोन है ही, तो क्यों ना एक एंड्रॉइड भी ले लिया जाए, और मैंने ले ही लिया, वो भी काफी सस्ता में। मतलब कि मेरे को ब्रांड न्यू फोन यहाँ पर 40% डिस्काउंट मिल रहा है, 40% डिस्काउंट मिल रहा है। ब्रांड न्यू है, एक्टिव ही नहीं हुआ है, बस इसका बॉक्स को ओपन किया गया है, ये सील काटा गया, बस ये सील काटा गया, जो सील होता है ये सील कटिंग होता है, बस ये देखो, बस इतना। तो ओपन बॉक्स का मतलब ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि मतलब आपको पूरा सेकंड हैंड फोन 2-3 साल चला के ऐसा दे दिया, ऐसा नहीं होता है। जस्ट बॉक्स को ओपन किया रहता है मिस्टेक से, भैया कलेक्ट करके लाते हैं अपने स्टोर में, देन फिर कस्टमर को सेल करते हैं, वो भी डिस्काउंट। यार आप लोग जब भी इनके दुकान में आओगे तो कभी खाली हाथ नहीं जाओगे, क्योंकि एनी टाइम इनके पास बहुत सारा स्टॉक रहता है, साथ ही वॉच वगैरह भी गिफ्ट करते हैं। लेकिन गाइस इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये भैया नेक्स्ट लेवल का मोबाइल रिपेयरिंग भी करते हैं। अब देखो इस आईफोन का बैक साइड पूरा टूट चुका है, बट अब इसे लेदर लाइट की मदद से इसे ठीक किया जाएगा। देखो पहले ये फोन कैसा था और अब ये कैसा हो चुका है, और ये मोबाइल रिपेयरिंग भी काफी सस्ते में करते हैं, यानी कि अगर आपका टच प्लेट वगैरह टूट जाता है तो ये सिर्फ 900 रुपीज में चेंज कर देते हैं। फाइनली मैंने यहाँ पर मोबाइल ले लिया है, वैसे चार्जर तो नहीं आता है, नहीं आता ना इसमें चार्जर, लेकिन भैया ने मुझे मतलब दे दिया यार, मतलब दिल से दे दिया भाई समझ के। ओके, और ये देखो बिल मुझे कितना में पड़ा है, 93,000 का फोन है, और मैंने ओपन बॉक्स लिया तो ये देखो मुझे कितना मिला है, यहाँ पर 58,000 में मुझे मेरा फोन मिल गया। एड्रेस होगा हम लोग का जयानगर चौराली गुवाहाटी असम। ओके, अगर हम लोग का फोन नंबर का बात करो तो फोन नंबर होगा 7002312833। ओके, सेकंड नंबर 6900524178। वैसे मैं इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके भी इनके स्टोर पे विजिट कर सकते हो। बाकी अभी के लिए हम लोग घर चलते है और नेक्स्ट वीडियो पे मेरी कांची का रिएक्शन देखते है। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने मोबाइल वगैरह सब कुछ ले लिया है, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा घर की तरफ, और ये रहा रोड जो कि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, एंड यहाँ से हम लोग सीधा अपने घर जाएंगे, जो कि हम लोगों को लग जाएगा 4-5 घंटा तो इजीली लग जाएगा। और आई एम सो हैप्पी क्योंकि भाई कांची के लिए एक यूनिक सा फोन लिया है मैंने। देखते हैं अभी घर जाके कांची का रिएक्शन क्या रहता है, कैसा रहता है।